हमने फूलों की खेती शुरू करी धीरे धीरे फिर हमने उसके बाद अपना एक समूह बनाया संगठन बनाया कि कुछ महिलाओं को भी प्रॉफिट हो मैं भी हो हमने पौध तैयार करवाई बाहर से बीज मंगवाया सभी को सभी का सहयोग था इस महिलाओं का जो भी हमारे समूह से जुड़ी हुई हैं हमारी हंसी भी मनाई गई हमारे समूह की ये लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे लेकिन जब हमने करा तो सबने देखा बिगे में समथिंग दस कुंटल का हो जाता है इसका बाजार गाजीपुर मंडी है दिल्ली भी है मुरादाबाद भी है गेंदा अभी चालू है और गेंदा सा छोटा होता है जो जापरी बोलते हैं वो चालू होगी अभी इस वक्त हम मुरादाबाद के उमरा गोपालपुर गांव में हैं और ये वही गांव है जिसकी बदौलत जिसके जरिए दिल्ली एनसीआर पूरा महक उठता है जी हाँ ये वही गांव है जहां से फूल बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होते हैं यहाँ के 70 प्रतिशत यहाँ की जो आबादी है वो फूलों की खेती करती है करीब 300 से ज़्यादा बीघे में फूलों की खेती और ख़ास तौर पे यहाँ की महिलाएं वो फूलों की खेती में अहम भागीदारी निभाती हैं, उनकी हिस्सेदारी काफी अधिक होती है और उन्हीं की बदौलत गांव ये पूरा समृद्ध हो रहा है हमारे साथ कुछ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं और स्वयं सहायता समूह की शुरुआत करने वाली पूनम सैनी जी हैं पूनम जी ने फूलों की खेती को लेकर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है और महिलाओं को जोड़ा है गांव की महिलाओं को जोड़ा है आज वो आर्थिक तौर पर फायदा हासिल कर रही हैं पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में हम एक समूह चलाते हैं अटल जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी और मेरी शादी हुई थी 2002 में उस टाइम पे यहाँ कुछ नहीं होता था धान के अलावा गेहूं के अलावा लेकिन फिर हमने कुछ शुरुआत सोचा कुछ करें घर से निकल के सभी महिलाओं को जिससे फायदा हो सही हो तो उसके बाद हमने फूलों की खेती शुरू करी धीरे धीरे फिर हमने उसके बाद अपना एक समूह बनाया संगठन बनाया कि कुछ महिलाओं को भी प्रॉफिट हो हमें भी हो उसके बाद हम सब लोग फूलों की खेती करने लगे उससे हमें प्रॉफिट होने लगा थोड़ा बहुत पूनम जी जब 2002 में आपने बताया कि आपकी शादी हुई थी और अब आप अपने ससुराल तो उस उस दौरान आप बता रही हैं कि धान और गेहूं की खेती बहुत हुआ करती थी और फिर आपको कैसे आइडिया आया है कि फूलों की खेती करनी चाहिए और फिर इस क्षेत्र में बाकी समूह बनाकर महिलाओं को जोड़ना चाहिए बस यही सोचा कि शायद की फूलों की डिमांड है डेकोरेशन करने में शादी ब्याह में पूजा में शायद इससे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ फिर हम सैनी समाज से बिलोंग करते हैं तो हमारा हम लोगों का तो काम ही है फूलों का इसलिए हमारे दिमाग में आया फिर हमने पौध तैयार करवाई बाहर से बीज मंगवाया सभी को सभी का सहयोग था इसमें महिलाओं का जो भी हमारे समूह से जुड़ी हुई है उनको लेके हमने लगाया फिर हमने इसकी सप्लाई करी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में संबल में मुरादाबाद में चंदोसी में बस कहीं यहाँ पे मुरादाबाद मंडी है वहां से थोड़ा रेट सही मिलता है कहीं रेट कम मिलता है इसी तरह से हमने इसकी शुरुआत करी फिर और महिलाओं को भी जोड़ा इसमें और किसान भी जोड़े हमसे बहुत सारे अच्छा एक ये चूंकि हम गांव में हैं और आमतौर पे भारतीय गांवों में महिलाओं को काम करने की आजादी उतनी नहीं मिलती है तो जब आप घर से निकली तो आपके घर वालों ने तुरंत मंजूरी दे दी और बाकी जब आपने बाकी महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की तब कैसा आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ा या सामना करना पड़ा बहुत से लोग तो बिल्कुल मंजूरी नहीं देते महिलाओं को बाहर निकलने के लिए लेकिन कुछ नहीं दे दी यही सब है लेकिन बहुत सारे लोग तो है कि हमारी हंसी भी मनाई गई हमारे समूह की ये लोग क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे लेकिन जब हमने करा तो सबने देखा आप कोई कुछ नहीं बोलता तो पूनम जी कितना उत्पादन आप लोग साल भर में कर लेते होंगे और बाजार कहाँ पे है इसका हमारा उत्पादन होता है एक बीघे में समथिंग दस कुंटल का हो जाता है इसका बाजार गाजीपुर मंडी है दिल्ली भी है मुरादाबाद भी है संबल भी है चंदोसी भी है हम कई जगह अपना माल सेल करते हैं हम कुछ और भी महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो समूह से जुड़ी हैं आपका आपका क्या नाम है पिंकी पिंकी जी आप कब से फूलों की खेती कर रही हैं हमें फूलों की खेती करते कम से कम दस साल हो गए दस साल हो गए। से हम हा, हाँ, जब से हम समूह से जुड़े समूह से तो फिलहाल हमारे लिए तीन साल हो गयी जुड़े हुए फिर जब से समूह से जुड़े हैं तो हमने समूह से लेन देन करके हमने फूलों की खेती करना चालू किया था uh, तो समूह की खेती करना चालू फूलों की खेती करना चालू किया मैंने समूह से जुड़े उसके बाद हमने पौध मंगाई पौध मंगा के दस पैसा पेड़ मिला मुझे तो वो मैंने दस पैसा पेड़ मंगा के मैंने पहले हाथ एक बीघे में लगाया एक बीघे में कुछ हमें थोड़ा चालू होता कि हमारा इसमें काम चल जाएगा गुजारा चल जाएगा वो हमने किया उससे उसके बाद हम फूल तोड़ते थे सब काम करते थे और महिलाओं को भी ऐसे बच्चों को भी लगा के जैसे काम पर लगा लेते उससे तोड़वाते तोड़वा के उसे मंडी भेजते हैं बरेली भी भेज देते हैं हम मुरादाबाद भी भेज देते हैं ना सबसे ज्यादा गाजीपुर मंडी जाता है हमारा फूल दिल्ली में हाँ दिल्ली जाता है गाजीपुर मंडी उससे हमारा काम अपना चलता रहता है फूल गेंदा अभी चालू है और गेंदा सा छोटा होता है जो जाफरी बोलते हैं वो चालू होगी अभी जाफरी गेंदा इसके अलावा और कौन कौन से फूल जी जी दो फूल ज्यादा होते तो गुलाब भी होती है पर गुलाब हर समय नहीं चलती है बहराहाल होती है। गुलाब सबसे कम है सबसे मेन चीज है गेंदा होता है गेंदा ज्यादा होता है गेंदा के बाद दूसरे नंबर पे है जाफरी तीसरे नंबर पे है गुलाबी तो गेंदा के उत्पादन कितना कर लेती होंगी पैदागिरी में हमारा घर का ही खर्चा चल पाता है जैसे जितना करते हैं दस बीस हजार वो ही हो पाते हैं इससे ज्यादा नहीं हो पाता साल में पचास हजार मान लो इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये प्रति प्रति बीघा हाँ प्रति बीघा पचास हजार रूपए हाँ एक साल का हमारा काम अच्छा खासा चलता रहता है मतलब आप खुश है इस काम हम इस काम से बहुत खुश है तो इस काम को शुरू करने से पहले आपके जीवन में और अब में क्या बदलाव आया बहुत कुछ बदलाव आया जैसे जैसे अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं या घर भी नहीं तो हम सोचते हैं हम आगे दीवार बना लें या ईंट मंगा के कुछ घर बनाना चाहें या हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो वो सब कुछ करते हैं हम इसमें अच्छा पहले ये नहीं कर पाते नहीं तो मतलब ये फूलों की खेती की बदौलत ही आप जो है हाँ, घर छत पढ़ाई हाँ इसी फूलों में से हम घर का खर्चा भी करते हैं बच्चों की पढ़ाई भी करते हैं और आने जाने का भी हम सारा काम अपने फूलों में से करते हैं और फूलों करना हमारा हर समय का वो हो गया हर समय करते हैं हम थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हर समय हमारे पास रहता है अच्छा हाँ, गांव की बाकी महिलाओं को इससे कितना फायदा हुआ अब बाकी महिलाओं को तो उन्हें अपनी अपनी पते होगी मुझे अपनी पता है खाली हाँ जितना आम तो ज्यादा नहीं करते हैं पांच बीघा दो बीघा तीन बीघा इससे ज्यादा नहीं करते हैं क्यों इतना ही हम वो कर पाते हैं रंजना जी आप कब से फूलों की खेती कर रही हैं दस साल से हो रही है दस साल से हो रही है कितने बीघे में करती हो रही है चार पाँच बीघा चार पाँच बीघा में और दस बीघा भी हो जाती है चार बीघा भी, भी हो जाती है अच्छा वो मौसम के ऊपर निर्भर होता है तो कितना आ, कितनी आमदनी हो जाती होगी आप लोग हो जाती है सही हो जाती है दस बारह हजार की तो दस बारह हजार की दस बारह हजार महीने की हाँ जी महीने की ना जी हाँ मतलब साल भर में करीब एक बीघे से आप लोग जो है करीब एक लाख रुपए इतना हाँ हो जाता है इतना एक लाख से ज्यादा हो जाता है एक लाख से ज्यादा एक बीघे से हो जाता है एक बीघे से मतलब चार पाँच बीघा किया तो चार पाँच लाख रुपए तक हो जाता हाँ, लाख अच्छा ये आप जब से फूलों की खेती कर रही हैं तब से और उसके पहले आपकी स्थिति में क्या बदलाव हुआ है मतलब रहन सहन खान पान इन सब चीजों में रहन सहन खान पान तो सब कुछ सही है पहले से अभी पहले कुछ था थोड़ा सा हल्का पूरा सही ही पर आप सही है फूलों की खेती से तो सही भी और, और खाने पीने से तो आपने उमरा गोपालपुर के गांव की महिलाओं से मुलाकात की और उन्होंने बताया किस तरीके से गांव में फूलों की खेती हो रही है और यहां से कैसे दिल्ली एनसीआर अलीगढ़ मेरठ कई जिलों में सप्लाई होती है फूलों की खेती यही इनके जीवन यापन के लिए एक मात्र सहारा है आर्थिक स्थिति में सुधार आने का बहुत सी महिलाएं कैमरे के सामने बहुत चीजें नहीं भी बता पा रही थी फिर भी जो मोटा मोटा इन्होंने बताया उसके लिहाज से प्रति बीघे ये करीब एक से सवा लाख रुपए तक की बचत कर लेती हैं साल भर में और इससे ये बेहतर जो इनकी पहले की जिंदगी थी और अब के मुकाबले इनमें काफी बदलाव आया है ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र